डीसीपी सिंघम, डीसीपी बाजीराव सिंघम यहाँ पे आ रहे हैं। बाजीराव सिंघम सर, आप सुबह सुबह मजाक तो नहीं कर रहे ना? मजाक? जब ये पूरा ब्यूरो थरथराएगा ना, तब पता चलेगा कि कौन आ रहा है। मगर यहाँ क्यों सर? हमने क्या बिगाड़ा? डीसीपी बाजीराव सिंघम यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो मगर सर, यहाँ पे तो आप लोग हैं और हम हैं, हम कैसी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं? अरे मैं उस गड़बड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस गड़बड़ की बात कर रहा हूँ। उस गड़बड़ की वाली सर, वाली? हाँ, छोटी मोटी बात के लिए बाजीराव यहाँ पे नहीं आने वाला। मेरी बाजीराव, हेलो सर। बहुत नाम सुना है सर आपका। अब काम भी सुनकर देखो। जी सर। मगर सर, आप अचानक यहाँ कैसे? हम लोग तो सोच रहे थे कि आप क्या पहले से एक बहुत बड़े केस में बिजी हैं। तो जो आदमी अपने आप को बेच देता है, जो आदमी अपने देश को बेच देता है, मैं उसे क्रश कर जमीन में गाड़ दूंगा। मगर यहाँ पे कौन ऐसा आदमी है? मतलब सर, आपको ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पे कोई अपने देश को बेचने में लगा हुआ है? सिर्फ देश को ही नहीं बेच रहा, वो खुद को भी बेच चुका है। सर, यहाँ पे सर? सर, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। सर, एसीपी प्रद्युमन आपको हमारे बारे में बता सकते हैं। ये गलत बात है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम में से कोई एक है, लेकिन वो है यहीं पे है वो, और यहीं से वो सीआईडी को बेच रहा है। मैं उसके चेहरे से नकाब उतारने आया हूँ। सर, कहीं आप एसीपी सर की बात? नहीं, प्रद्युमन नहीं है, प्रद्युमन नहीं है, वो कोई और है। तो एसीपी चित्रोले सिर्फ एक छोटा सा सबूत मिलना बाकी है, फिर मेरे हाथ उसकी गर्दन पर होंगे। सटक ली यार, ये बाजीराव एक बार किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो उसकी टांगे तोड़ के ही रहता है। मतलब सर, डीसीपी चित्रोले? हेलो हेलो एवरीबॉडी, लाइक सर 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 सर, बारिश ने सूट गीला कर दिया, 1,00,000 का सूट है। 10,000 के जूते? ये इतना पैसा इसके पास आता कहां से? ये प्रद्युमन छुट्टी पे जाता है ना, फंसा के चला जाता है। ये मुझे ये छोटे छोटे काम में मुझे नहीं फंसना है यार, ये तुम लोग करो। ये देखो, ये रिपोर्ट है। क्या हुआ सबके चेहरे नीचे क्यों? अभिजीत, क्या हुआ है? वो आया? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं सर। शाहरुख की शादी हो गई है क्या? तो रो क्यों रहे हैं तो? सर, वो डीसीपी बाजीराव सिंघम आए थे यहाँ पे। बाजीराव सिंघम यहाँ आया था? जी सर। किसी ने बुलाया था क्या उसे? नहीं सर। अपने आप ही आ गया? यहाँ आने की क्या जरूरत है? अरे शेर है तो जंगल में जाए, यहाँ पे क्या जरूरत है आने की ब्यूरो में? सिंघम सिंघम, उसने ये भी कहा होगा अत्ता माजी सटक ली। जी। ये जहां जाता है यही कहता है, सटकी रहती है उसकी। सिंघम सिंघम। सर, उन्होंने कहा कि यहां पे कोई गद्दार है। जी,
जो अपने देश को बेच रहा है यहाँ पे? हाँ सर, कोई तो है जो सीआईडी के साथ गद्दारी कर रहा है। सीआईडी के साथ में गद्दारी? कौन है, कौन है वो? नहीं सर। कौन है? पंकज सर। कौन है वो जिसने सीआईडी के साथ गद्दारी की है? उसमें तो आपका आदमी है सर। हम में से कोई नहीं है। तो फिर कौन है? कोई सीनियर ऑफिसर है। सीनियर ऑफिसर तो एसीपी प्रद्युमन। मुझे मालूम था एक ना एक दिन एसीपी प्रद्युमन जरूर भेज देगा सीआईडी को। नहीं सर, वो एसीपी प्रद्युमन भी नहीं है। प्रद्युमन नहीं, कोई और है। और कौन है, और कौन है यहाँ पे? कौन है? बच्चा कौन? सीनियर ऑफिसर प्रद्युमन? मैं? गड़बड़ हो गया। मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया। बाजीराव की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो सिंगम। सर, सर आपके जूते गीले हो जाएंगे सर। तुम लोगों ने ये गला घोट के मारा है तो फिर पांव काटने की क्या जरूरत थी? आसपास कहीं पैर दिखाई भी नहीं दे रहा है। जी ये बताइए कि सबसे पहले आप में से लाश को किसने देखा था? सर मैंने, मेरी कार खराब हो गई थी, मैं कार से उतरा तो ये देखी और मैंने तुरंत आप लोगों को फोन लगाया। आसपास किसी और को देखा आपने हा? या कुछ भी जो अजीब सा लगा? नहीं सर, मैं काफी घबरा गया था तो मैंने आवाज लगाई, ये सब आ गए। ये बताइए कि आप में से कोई पहचानता है इसे? नहीं सर, नहीं सर। कमाल है, यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो जाता है और किसी ने किसी को देखा तक नहीं, ना ही चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। नहीं सर, हम लोग यहाँ से जा रहे थे, यहाँ से चीखने की आवाज आई और हम लोग यहाँ पे आ गए। निखिल, ऐसा भी हो सकता है कि खूनी ने खून करके इस लाश को यहाँ लाकर फेंक दिया। इशिता जरा बैग चेक करो, देखो कोई आईडी वगैरह है क्या? यस सर। निखिल, आसपास छान मारो जरा। एक्सक्यूज मी रविन, मुझे लगता है कि ये लड़की कहीं आसपास से ही आई होगी, कहीं इस ब्लू व्हेल रिसोर्ट से तो नहीं। करण, ये रिसोर्ट के सारे स्टाफ को बुला के लाओ, शायद किसी ने कुछ देखा। सर सचिन, अगर ऐसा है तो फिर इस लड़की के दोनों कटे हुए पैर यहीं कहीं होने चाहिए, चेक करते हैं।
खूनी ऐसा कर क्यों रहा है? ये खूनी कोई सरफिरा लगता है। सर! आयशा। सर, इस बैग में कुछ टिश्यूज, कुछ पैसे, कुछ मेकअप का सामान और एक किताब मिली है। निलंजना नाम है इस किताब का। अच्छा, इस किताब में या बैग में कोई ऐसा आईडी मिला जिससे इनकी पहचान हो सके? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई वॉलेट और ना ही कोई सेलफोन। सर, सर ये है मिस्टर दिव्यांक, ब्लू व्हेल रिसॉर्ट के मैनेजर। मिस्टर दिव्यांक, आपके रिसॉर्ट के पास ये खून हो गया, आप बता सकते हैं कि ये लड़की है कौन? नहीं सर, हमारे यहाँ के स्टाफ नहीं सर। स्टाफ ना सही, कोई गेस्ट हो शायद, या फिर आपके रिजॉर्ट में लंच करने आई हो या आती हो। क्योंकि मैनेजर साहब, आपके इस रिजॉर्ट के अलावा यहाँ दूर दूर तक कुछ और है नहीं। नहीं सर, नहीं सर, हम इनको नहीं जानते और पहले हमने कभी इनको देखा भी नहीं यहाँ पर। हाँ सर, मैंने भी नहीं देखा। आखिर है कौन ये और इसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा? कुर्सी टूट गई? नहीं सर, सर ये कुर्सी बहुत जल्द खाली होने वाली है, ये रोएगी मेरे लिए। कुछ पी के तो नहीं आया? नहीं सर। अरे तो फिर तेरी कुर्सी रोएगी क्यों? मेरा प्रमोशन होने वाला है ना। तेरा प्रमोशन मेरे से पहले तेरा प्रमोशन? हाँ। अबे दया, अभिजीत और एसीपी सर को सैल्यूट मारते मारते मेरे हाथ थक गए। दिन रात यस सर नो सर करते करते ऐसी आदत पड़ गई कि वाइफ के सामने भी सैल्यूट मारने लगा हूं और प्रमोशन होगा तेरा। सर आप बात समझ नहीं रहे, टीसीपी चित्रोले सर का टाइम आ गया है। अच्छा? हाँ सर, बाजीराव सिंघम उनकी वाट लगाने वाला है। टीसीपी चित्रोले गिरफ्तार। अरे हुआ, फिर तो पनौती गई समझो है। अरे क्या बताऊं, जब भी ब्यूरो में आते थे ना मेरे ही क्लास लेते थे। अच्छा लेकिन इससे तेरा क्या फायदा होने वाला है? तू थोड़ी ना डीसीपी बनेगा। सर जरा सोचो। सोचा? डीसीपी सर गिरफ्तार तो डीसीपी सर की जगह खाली। खाली? डीसीपी सर की जगह पे एसीपी सर आ जाएंगे। आ गए। अरे लेकिन तू थोड़ी ना एसीपी बनने वाला है। अरे सर आप पूरा सुनो तो सही, एसीपी सर डीसीपी सर बन जाएंगे तो अभिजीत सर एसीपी सर बन गए तो अभिजीत सर की जगह पे आएगा पंकज। आ गया। अरे पंकज आ गया तो मैं कहां गया? आपके बारे में वैसे मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। अच्छा, दिन रात वाइफ की सेवा करता हूँ ताकि कभी ना कभी तो लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और प्रमोशन होगा तेरा। क्या हो रहा है वहां? गला घोट के मारा गया इसको। खूनी ने इतनी ताकत लगा के इसका गला दबाया कि उसको मरने में एक मिनट भी नहीं लगा। पता नहीं ये लड़की कौन है और किसी ने इसके लापता होने की रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई है। और ये देखो दया, ये दूसरा घाव, लेकिन ये घाव सिर्फ एक बार का है। मतलब? दो मतलब है दया।
पहला मतलब इस लड़की का पैर इसके मरने के बाद इसके शरीर से अलग किया गया है, और दूसरा मतलब ये वार सिर्फ एक है, मतलब एक ही झटके में इसके पैर शरीर से अलग कर दिए गए। कितना बेरहम है ये खूनी, खून करने के बाद दोनों पैर भी काट दिए। लगता है अपनी पहचान बताने के लिए उसने ये पैर काटे। किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया होगा इसने, जिससे एक ही बार में पैर कट के अलग हो गए? कोई वजनदार और तेज धार वाला हथियार। शायद कुछ इस तरीके का हथियार है। अब ये हथियार ही हमें खूनी तक पहुंचने का रास्ता बताएगा। लेकिन सर कैसे? डेंचू, डेंचू के जरिए। यही काम मुझे अच्छा नहीं लगता। बार 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 खून साफ करना पड़ता है, खून। अरे बॉस, आप खुद ही खून साफ करना चाहते हैं ना? हमें बोला होता तो हम भी ये चाकू साफ कर सकते हैं। हाँ, पसंद है, पसंद है, इसलिए मैं करता हूं, क्योंकि खून मुझे पसंद है, खून मुझे बहुत पसंद है। खून लाल सुर्ख रंग, खून खून। उसके आने के बाद मुंह एकदम बंद रखना, बहुत खतरनाक आदमी है वो। खतरनाक आदमी है? अरे आखिर है कौन वो? यहाँ कुछ बदबू है क्या? नहीं नहीं, हमें तो बदबू नहीं आ रही है बॉस। हाँ बॉस, मुझे भी बदबू नहीं आ रही। और अभी तो स्प्रे मार रहा है, यहाँ तो हर जगह खुशबू ही खुशबू है। यहाँ हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। हाँ बॉस, खुशबू ही खुशबू है यहाँ। पर मुझे खुशबू क्यों नहीं आ रही? मेरी नाक को क्या हो गया? मुझे खुशबू क्यों नहीं आ रही? अरे बॉस, इधर खुशबू नहीं है। अबे ये क्या कह रहा है? कौन बोला? मैं बोला बॉस, मैं। क्यों बोला?
खुशबू नहीं है तो नहीं है ना, बदबू है। कहाँ है बदबू? वो वहां जहाँ वो कटे हुए पांव पड़े हैं। तेरे को नहीं छोड़ेगा जी। बदबू है तो बदबू बोलूंगा ना, कटे हुए पैर फेंक भी देते। ये बताएगा कि बदबू कहाँ है? बहुत आपने पूछा तो मैंने बता दिया। तेरा सिर काट के यहीं सजा दूंगा। बस वो बदबू नहीं है, खुशबू है। नाक काट दी जाएगी, ना रहेगी नाक, ना बजेगी बांसुरी। बॉस, ये क्या कर रहे हो? वो आने वाला है। हाँ बॉस, वो आने वाला है। वो आने वाला है। आने वाला है वो, आने वाला है, आने वाला है। सेलिब्रेशन। वो आने वाला है। स्प्रे। आइए सर, आपका ही इंतजार था। जो मेरा इंतजार करते हैं वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। मार्को साहब आपकी राह देख रहे हैं। राह देखने वाले रास्ता भटक जाते हैं, समझे? चलो, तेरे हाथ क्यों कांप रहे? ये इतना 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 फॉग क्यों फैला रखा है? डीसीपी चित्रावले, वेलकम। ये क्या है? जोकर? ये पेंट क्यों लगा रखा है? बाप, बाप की याद आ गई। बचपन में ना मैं बहुत रोता था। एक दिन मेरे बाप ने मुंह में उंगलियां डालकर चीर दिया और बोला, हंसता क्यों नहीं है? तब से आज तक रो रहा हूं। अब मैं तब हंसता हूं जब खून देखता हूं। खून? ये मुझे यहां क्यों बुलाए? मुझे ऐसे गंदी जगह आना पसंद नहीं है। अगर पैसे खाने का शौक है तो ऐसी जगह तो आना ही पड़ेगा। पैसे? हाँ पैसे, 5 करोड़ रुपए। तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? जो समझ रखा है मुझे हैं? 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। मैं बिल्ली हूँ? नहीं नहीं सर, मैंने चूहे खाए हैं। हाँ सर, ये नो, ये हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है? तुम लोगों ने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया है। मैं तुम लोगों को चिल्ला क्या रहे हो? तुमने खुद ही तो कहा था कि हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए दे दें और उसके बाद अपना सारा काला धंधा चालू रख सकते हैं। मैंने कहा था? हाँ तुमने। मैं तुम लोगों का ना
देखना वो आ गया है, तुम सबका बाप बाजीराव सिंघम। वो देखो सीधा कर देगा एक एक को, और जो पैसे खिला रहे हैं ना पकड़ेगा सबको, तब देखो क्या करता है। सिंघम आ रहा है। आ रहा है नहीं, आ गया है। पैसे उठाओ जल्दी जल्दी। नो, पैसे मत उठा, पैसे मत उठा। कितनी खुशबू आ रही है नोटों में से। पैसे मत उठा। मार्कोस, मजाक नहीं समझता है? गाड़ी में रख दो। ये बदबू कैसी है? कभी नहीं आऊंगा। पैसे लेने तो आओगे? क्या बकवास कर रहा है? चित्रोले साहब, मुझे आपके जूते बहुत पसंद हैं। मैं तो जूते मुझे भी चाहिए। कभी बहुत दिल किया ना तो ले लूंगा। लगते हैं मुझे, खासकर लड़कियों के जूते, लड़कियों के जूते। हाँ, जूते। ये ले, यार लगा। इसके बाद कुछ भी बोलना मत मुझे। क्यों, क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मैं किसी की सुनने वाला नहीं हूं। अरे टेढ़ा मत हो। देखो तुम लोग मुझसे उलझो मत और मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो।
अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं क्या हुआ भाई, कोई तंग कर रहा है क्या तेरे को? हाँ यार, मुझसे उलझ रहा था, लेकिन अब ठीक है। माल दिखा दो इन्हें। कितना चाहिए और क्या चाहिए? 10-10 चाहिए, वो लंबा वाला, एक ही झटके में कटना चाहिए आदमी। यार ये इनके पास मिलेगा नहीं, मामूली लोग लगते हैं। अबे कौन है भैया, नए लगते हैं? अरे नहीं, ये लोग बहुत पहुंचेले हैं, बहुत पहुंचेले। माल दे दो इन्हें। लो ये लेके जाओ। देखा इससे पहले कभी? ये यहीं पर बनता है, फिर मत बोलना कि मामूली लोग हैं। एक बार में कटेगा? नहीं कटा तो अगला बार मेरी गर्दन पे करना। इससे बड़ी गारंटी कोई देगा तुम्हें? नहीं, पहले किसी को काटा है क्या? अनपढ़ हो क्या, अखबार नहीं पढ़ते? अरे अगर ये पढ़े लिखे होते तो यहाँ होते क्या? टम्बोली क्रिक पर लड़की मरी पड़ी थी, पैर कटे थे उसके। तुमने जो ना, किसने मारा उसको? अपना माल लो और निकलो यहां से। नाम बता भी दे यार। हम ऐसा काम नहीं करते। वाह, लोगों को मारने के ये हथियार बेचते हो, नाम नहीं बताओगे? बड़ा मुंह चला रहा है कौन तू? हम लोग CID से हैं। क्या तुम लोगों ने वो चाकू किसे बेचा? इसे टम्बोलिन वाली लड़की का खून हुआ। साहब वो जग्गी और पाल चाकू का पूरा सेट यहाँ से लेके गए थे साहब। हमारी कोई गलती नहीं है साहब, हम बेकसूर हैं साहब। जग्गी और पाल कहाँ मिलेंगे दोनों? साहब हमें मालूम नहीं है साहब, साहब हम बिल्कुल बेकसूर हैं साहब। साहब मैं बताता हूँ वो दोनों कहाँ पे हैं।
पूरे है ना? गुड, तेरा काम 5 बजे तक हो जाएगा। छह बजे तक हो जाएगा। अबे बिल्लू, तू यहाँ कैसे यार? भाई भाई वो कुछ काम था। ऐसा कौन सा काम था कि यहाँ तक पहुँच गए? वो भाई दो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। अरे उनको यहाँ तो नहीं लेके आ गया। भाई भाई साथ में आए। भाई मरवाएगा क्या? मरवाएगा नहीं, मरवा दिया। भाग चकी भाग। ए रुक जा। सीआईडी तो गया। गन तो दिख रही है। गन तो उड़ गई। सीआईडी उड़ गया। अब तुम दोनों भी उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। कुछ याद आया या नहीं? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, सीआईडी ऑफिसर भी गोली चलाओगे? नहीं सर, हम लोग तो कबूतर पे गोली चला रहे थे सर। ये लोग बीच में आ गए। कबूतर पे गोली चला रहे थे? कबूतर पे गोली चला रहे थे? चलो सर, मुझे चलो। किससे बात कर रहा है? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।